नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में परिवार पहचान पत्र के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि 6 साल तक की आयु के बच्चों का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है। विभाग इन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और पोषण का विशेष ध्यान रखेगा। साथ ही विभाग हर बच्चे की ट्रैकिंग भी रखेगा कि वह बच्चा 6 साल तक की आयु तक घर पर आंगनबाड़ी में या स्कूल में जा रहा है और उसे जरूरी पोषक आहार उपलब्ध हो रहा है। सीएम ने कहा कि अगर बच्चों को शुरुआत में ही अच्छा पोषण और शिक्षा मिलेगी तो उसकी बुनियाद मजबूत बनेगी और वे जमीन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सब गतिविधियों को अमल में लाने के लिए जल्द एक कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित करें। उधर गृह मंत्री अनिल विज बार कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों से मिले और उनके साथ चर्चा की। गृहमंत्री का वकीलों के स्वागत किया और साथ ही साथ इस दौरान गृहमंत्री ने बार एसोसिएशन को लाइब्रेरी और बार के दूसरे कार्यों के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। तो वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। देखिए, कोई किसी को नहीं गिरा सकता, गिरता आदमी खुद ही है। अब जिस प्रकार के उनके कारनामे सामने आ रहे हैं उनकी सरकारों के, तो खड़े रहने वाले तो है नहीं है, वो गिरने वाले ही कारण। खबर चंडीगढ़ से है जहां पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में बीजेपी का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज 2022 में देश की जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, पलट दो मोदी सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में महंगाई में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा था, लेकिन बीजेपी ने महज 8 साल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी में झोंका है। पालने से लेकर कब्र तक जीएसटी लगा रखी है। खाने पीने के सामान तक से जीएसटी लगाई हुई है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के विरोध में आमजन की आवाज बनकर सामने आई है। देखते 13-14 का जब पूरे देश में एक नारा गूंजता था और घर घर उस नारे को पहुंचाया गया, नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 2013-14 में हमने मोदी जी को बहुत लंबे चौड़े भाषण देते सुना, बड़े सपने बुनते सुना, और देश का युवा हो, गृहिणी हो, हर घर में मोदी जी की बात पहुंची और ऐसा लगा कि मोदी जी जिस तरह से सपने बेच रहे थे, इस देश की जनता को लगा कि मोदी जी आएंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी, मोदी जी आएंगे और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मोदी जी जो इतना चिल्ला चिल्ला के महंगाई के खिलाफ बोलते थे, पिछले 8 सालों से चुप्पी साधे बैठे हैं। खबर कनीना से है जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेसी नेता राव नरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के पदाधिकारियों की मीटिंग ली। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो अभियान के तहत 35 किलोमीटर यात्रा कर लोगों को जोड़ा जाएगा। इसको लेकर 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली रैली की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि घर घर जाकर कांग्रेस की होने वाली इस रैली का न्योता दें। साथ ही नरेंद्र सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश से पूरे देश में एक महारैली होने जा रही है। 4 सितंबर रविवार को इसी तत्वाधान में एक जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रही है। पीएम मोदी के झूठे जुमलों
में आकर सरकार बनी थी, लेकिन आज देश की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही कमजोर है। रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। निकालना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश से पूरे देश की एक महारैली कहें जिसको हम, दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 सितंबर रविवार को निश्चित है, उसके संदर्भ के अंदर हम लोगों ने एक जनसंपर्क अभियान चलाया है। उसी के तहत आज कनीना मंडी के अंदर जो कांग्रेस साथी हैं, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस विचारधारा के जो लोग हैं, उनसे मिलने के लिए और रैली के लिए निमंत्रण देने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, उसकी रणनीति बनाने के लिए आज कनीना में इस बैठक का। उधर कालावली पहुंचे इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा कि संसद में संशोधित बिजली बिल के पारित होने से कृषि क्षेत्र पर इसका आर्थिक बोझ पड़ेगा और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को आर्थिक चपत लगेगी। अभय चौटाला सोमवार को कालावली हल्के के कई गांवों में ग्रामीण सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब देश प्रदेश में भाजपा शासन सत्तारूढ़ हुई है, तभी से जनविरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं और उसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ रहा है। अभय चौटाला ने इस दौरान सभी ग्रामीणों को 25 सितंबर को जिला फतेहाबाद में आयोजित होने वाली चौधरी देवीलाल जयंती पर अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का न्योता दिया। मैंने आज सुबह फिर जानकारी दी उन 12 गांव में फोन करके लोगों से, अब तक वहां पे कोई ठीक ढंग से पानी को निकालने के लिए उन्होंने पंप सेट नहीं लगाई। कहीं लगा दिया पंप सेट तो बिजली नहीं है, कहीं बिजली है तो मोटर खराब हो गई। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास इस साल ठीक करने भेजो उसको, या वहां से आदमी आकर के ठीक करे। मतलब मिनिस्टर की बात को भी कोई तवज्जो नहीं है, जिसको ये पता है अच्छी तरह से कि अगली ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में फिर आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। पर अधिकारियों को कोई डर ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। अब की बार हमारा जो ओटू डैम में जो पानी आता है उस सारे पानी को निकाल दिया, पानी पाकिस्तान चला गया, लेकिन जमींदार के खेत में पानी नहीं है। बाल्मीक नेता राजेंद्र बाल्मीकि के बेटे जानू बाल्मीकि की 15 अप्रैल को यमुनानगर के जगाधरी में एक निजी पैलेस के बाहर गोलियां मारकर हत्या करने के आरोपी सुमित्रा राणा और पीयूष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी कमलजीत ने बताया कि पुलिस 15 अप्रैल को बाद से ही आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई थी। 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही बता दें कि सुमित राणा और उसके साथी पीयूष को अभी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान घटना में शामिल हथियार और अन्य सामान बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के पास सुमित राणा के बारे में सूचना थी और उन्होंने सुमित राणा को राउंडअप करके यमुनानगर पुलिस के हवाले किया है। साथ ही डीएसपी ने बताया कि 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है, उम्मीद है उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि 2 जो उस मुकदमे में अभियुक्त थे, 2 पकड़े गए हैं, जो पीयूष और सुमित राणा, जो मेरे बेटे के कत्ल में शामिल थे, प्रशासन द्वारा मुझे पता लगा है। बाकी जो आरोपी हैं उन्हें भी पकड़ने का आश्वासन प्रशासन ने दिया है। 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के उनके निवास स्थान पर मिला था। इसमें हमने सुमित राणा व पीयूष को गिरफ्तार किया। सर कितने दिनों से फरार थे? ये जब से ये अपना वारदात हुई थी उसी टाइम से फरार चल रहे थे। कितने लोग सर इसमें शामिल थे? इसमें लगभग 12 आदमियों का नाम आया था अभी तक सामने। 8 ऑलरेडी गिरफ्तार इसमें हो चुके हैं और 2 अभी और। उधर जाखल मॉडल संस्कृति स्कूल में 10 अध्यापक के तबादले किए जाने पर नए अध्यापकों की मांग और फीस लेने के विरोध में स्कूली बच्चे और सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक जाखल किसान संघर्ष समिति का धरना जारी है। वहीं स्कूल के छात्र स्कूल के गेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ रहे। कर्मचारी नेता
किसान संघर्ष समिति की ओर से बच्चों की मांगों का समर्थन करते हुए बताया गया कि वर्तमान सरकार छात्रों को शिक्षा रहित करना चाहती है, जिससे यह छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय संविधान ही उन्हें यह अधिकार देता है कि यदि इनके अधिकारों पर हमला हो तो छात्र शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सरकार को मजबूर कर अपने हक ले सकते हैं। कर्मचारी संघ ब्लॉक और किसान संघर्ष समिति इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करता है और सरकार से मांग करता है कि सरकार इन सभी समस्याओं पर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। झज्जर जिला प्रशासन की ओर से किसानों को मखाने की खेती के लिए प्रेरित किया गया और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक सप्ताह तक प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। झज्जर के उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि लगभग 18,000 एकड़ भूमि ऐसी है जहां पर पानी भरने और जल भराव से कोई भी फसल नहीं हो पाती है, इसलिए ऐसी भूमि पर मखाने की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए फिलहाल डेमो फॉर्म बनाए जाएंगे और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि इस फसल की पैदावार से किसान अपनी फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त करें करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे। बेसिकली क्या है कि हमारे जिले में काफी बड़ा इलाका ऐसा है, लगभग 18,000 एकड़ एरिया ऐसा है जो हर साल पानी खड़ा होने की वजह से एक ही फसल मिल पाती है, दूसरी फसल नहीं मिल पाती या बहुत कम। तो उस तरह के इलाके जो हैं वो मखाने की खेती के लिए बड़े सूटेबल हैं, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया है कि फार्मर्स को एक फसल का नुकसान ना हो, उल्टा बल्कि ये जो इस वक्त जो एक असुविधा है ये उल्टा सुविधा में बदल जाए, ये जो अभिशाप सा लगता है पानी खड़ा होना वो ये एक वरदान में बदल जाए और लोगों को अच्छी कीमत अपनी फसल की लागत और दे सके, इसलिए मखाना खेती करने की कोशिश। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।